हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको फोर्थ क्लास चौथी क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 बता रहे हैं। अपना मैथ निकालें और जिसके पास मैथ नहीं है अपने नोटबुक निकाल के और इनको राइट कर लेना। इससे पहले हमने आपको 1.1 कंप्लीट करवा दी है, आज हम 1.2 करवा रहे हैं। इसके समय है नंबर एक में दे रखा भी, राइट द सक्सेसर ऑफ द ईच। जो संख्याएं दे रखी है हमारी, जो इस रकम दे रखी है, जो संख्याएं दे रखी है उनका हमने सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर का मीनिंग होता है जो संख्या दे रखी है उसके अंदर हम उनको प्लस कर देंगे। जो संख्या दी हुई है उसके अंदर हम वन प्लस कर देंगे तो ये हमारी सक्सेसर नंबर आ जाएगी। और प्रीडेसर के अंदर जो संख्या दे रखी है उसमें से हम वन को लेस कर देंगे तो हमारी प्रीडेसर आ जाएगी। अभी मैं आपको देखो बता देता हूँ, एक वन वन पार्ट इसका समझा देते हैं, उसके बाद आपने करना है और रकम उतार लेनी है। जिसके पास मैथ वो अपने मैथ में देखे। देखो नंबर वन पे लिखा है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। इसका मतलब ये प्रत्येक की हमने सक्सेसर नंबर लिखना है, जो सक्सेसर है इसके बाद जो संख्या आएगी। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी ए है, इसके अंदर इन्होंने लिखा है 25,919। इसके आगे आप बॉक्स बना दें इसके आंसर के लिए। और आपका इसमें बी है 17,699। इसके आगे बॉक्स लगा दें। और ये आपका सी है, सी में दे रखे इन्होंने 20,309। इसके आगे बॉक्स बना दें इसके आंसर के लिए। और आपका डी है इसमें 36,999। और ये आपका ई है 47,000। इसमें अकेला 47,000 है, ना वन है, ना टेन है, ना हंड्रेड है, तो हमने इसके नाम की जीरो लगा दी है और यहां पे बॉक्स बना दिया है। अब आपका है लास्ट में इसमें एफ, एफ में संख्या आपकी 79,999। ये आपका सब नंबर वन है। और नंबर टू है इसके अंदर राइट द प्रीडेसर ऑफ ईच, राइट द प्रीडेसर प्रीडेसर ऑफ ईच। इसका मतलब यह है कि जो संख्या दी हुई है हमने उसका प्रीडेसर लिखना है। इससे पहले वाली संख्या लिखने की आएगी, वन को इसमें वन प्लस कर देंगे सक्सेसर में और इसमें हम वन को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जैसे आपकी ए है इसके अंदर 11,249। इसका भी है
इसके आगे बॉक्स बना देते हैं। देखो अभी ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी और आपका सी है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड और आपका डी है फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी सेवन थाउजेंड। ये है आपका नाइन्टी थाउजेंड और आपका एफ है फोर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड और आपका थ्री है। कंपेयर एंड पुट जो निशान दे रखे हैं वो भरने आपने कंपेयर करके, ये बताना भी कौन सी संख्या किससे बड़ी है। देखो अभी लिखेंगे कंपेयर कंपेयर एंड पुट, या तो आपने ये निशान लगाना है या फिर ये लगाना है इन द बॉक्सेस। इसका नंबर ए है कंपेयर में आपका ए में है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन। इन दोनों संख्याओं के बीच में आप बॉक्स बना देना और इसके बाद है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी एट और आप इसका बी लिखें ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स। इसके अंदर ये बॉक्स बना देंगे फिर इसके अंदर जो संख्या है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फोर और सी देखें ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर। ये बॉक्स है इसके बाद है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन और आपका डी है थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी फोर। इसकी दूसरी संख्या है थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड
62। अब ये आपका ई है, इसके बाद है 42,040। एफ 55,287। इसके अंदर बॉक्स है, फिर है 55,283। ये तो हमने आपकी संख्याएं लिखी हैं, जो इसके रकम है वो लिख दी है। अभी आप इन देखो इन सवालों को कैसे करना आपने, देखो अब ये है आपका राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का हमने पहले बताया था भाई, जो संख्याएं दे रखी है उसके अंदर हम 1 को प्लस कर देंगे। अब जैसे हमारी ये संख्या 19 के अंदर हम 1 को प्लस करेंगे, 19 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे तो इसके अंदर हमारी संख्या आ जाएगी 25,920। अब इसी प्रकार ये है 99 है, इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो 6 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 17,700। इसका हमारा है ये 99 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, हमारा आंसर होगा 20,310। और जैसे आपका F ये है इधर, इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 37,000। इस प्रकार है, इसके अंदर 1 प्लस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी संख्या ये की। और अगर इसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 80,000 हो जाएगा। ये है। और अब है हमारा प्रीडेसर। प्रीडेसर में आपको बताया जो संख्या हमारे दी हुई है उसके अंदर से 1 को हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। अब जैसे ये है लास्ट में हमारा है 10, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32,309। अब जैसे ये है हमारा 47,000 है ये, अब 47,000 में से हम 1 को लेस कर देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 46,999। इस प्रकार करना है। इसी प्रकार ये है, इसमें से 1 लेस करके लिख देना, इसमें से 1 लेस कर देना, इसमें से 1 प्रीडेसर के अंदर हम 1 को लेस कर देंगे वो संख्या जी। अब आ गया हमारा कंपेयर, इनकी तुलना करनी है कौन सा किससे बड़ा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 है, तो हमारा ये संख्या ये 11,249 बड़ा है 9,978 से, इसमें ये आंसर ये आएगा चिन्ह। अब जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5 दोनों बराबर हैं, हम इन आगे 10,000 तक देखेंगे, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 16 है, तो ये संख्या बड़ी है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें हमारा 101 है, यहाँ पे 106 है, तो इसमें ये दूसरा ये आ जाएगा, फिर ये वाला आएगा पहला। इसी प्रकार की आपने कंपेयर करनी है और ये निशान लगाने हैं इनके अंदर, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ बंद और छोटी तरफ ये खुला निशान होगा। आज के लिए आपको मैथ का काम इतना ही है, बाकी फिर कराएंगे।